हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं अपने पहले व्लॉग की शुरुआत अपने भगवान के मंदिर से करना चाहती हूँ। ये है मेरा पूजा का मंदिर और मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ, अपने मंदिर की पूजा और पहले पूजा से पहले सफाई मैं कैसे करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स हटा दिए हैं, फिर जो भी पहले के जले हुए दिए वगैरह थे, जो पहले कल का यूज़ पानी है, जल जिससे हमने भगवान को नहलाया था, वो सब मैं हटा दूँगी। और सारे बर्तन जो पुराने थे उनको भी मैं अब हटा दूँगी, जल भी हटा दूँगी। देखिए इस तरीके से मैं सारे बर्तनों को हटा रही हूँ। इसमें मैं धूप बत्ती जलाती हूँ उसको हटा रही हूँ। वो जो प्लेट है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब ये सारे बर्तन मैंने पुराने एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक है। और छोटा सा एक डस्टबिन मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ है, उसी डस्टबिन के अंदर मैं सारा पुराने फूल, जली हुई पत्तियाँ और जो भी कचरा है, जैसे जली हुई माचिस वगैरह, वो सब मैं उसमें इकट्ठा कर लेती हूँ। सारे पुराने बर्तनों को मैंने ऊपर इकट्ठा कर लिया। अब ड्रॉर से मैंने एक मंदिर को पोंछने वाला कपड़ा निकाल के मंदिर की सफाई ऊपर से कर दी है और फिर उस कपड़े को मैं दोबारा से ड्रॉर में रख दूँगी। उसके बाद में मंदिर के नीचे की फ़र्श को साफ़ करने के लिए मैं एक दूसरा कपड़ा लेती हूँ, वो भी मंदिर के अंदर ही रहता है लेकिन उसको ड्रॉअर में नहीं रखती हूँ, वो पीछे रखा रहता है। उससे अब मैं फ़र्श को साफ़ करूँगी। फ़र्श को भी मैं साफ़ करती हूँ नहाने के बाद ही, क्योंकि हम मंदिर में घुसते ही नहाने के बाद हैं, उसके पहले नहीं घुसते हैं। तो फिर अब मैं उसकी मंदिर के फ़र्श को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, जो भी उसमें गंदगी है उसको कोने कोने से साफ़ करके मैं निकाल दे रही हूँ। एक दिन में जो भी ये बैठने वाली है आसनी, उसको भी हटा दिया है मैंने और उसको अब इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। और वैसे तो घर पे मेड होती है लेकिन अब मंदिर की सफाई हम लोग खुद ही करते हैं, यहाँ के फर्श को भी हम लोग खुद ही क्लीन करते हैं। ये देखिए ये सारा कूड़ा मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है। उसके बाद इस कपड़े को मैं फिर से मंदिर के अंदर ही रख लूँगी। अब ये जो पुराने बर्तन हैं इन अब आसनी को मैंने बिछा दिया है, बैठने वाले को भी उसके ऊपर रख दिया है। अब ये सारे बर्तन को ले जा रही हूँ मैं बाहर, धोऊंगी और जल को तुलसी माता पे चढ़ा दूँगी। मैं धो के बर्तनों को ले आई हूँ और जल भी भर के ले आई हूँ साफ़ सुथरा। अब ये कटोरी मैंने रखी है, इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। तो मैं अब अपने लड्डू गोपाल जी को उनके आसन से हटा रही हूँ, उनके पुराने वस्त्र हटा रही हूँ और उनको अपने नहाने वाले कटोरी में रख लिया है। अब मैं उनके नए वस्त्र निकाल रही हूँ डब्बे से और पुराने वस्त्रों को अंदर रख दूँगी। इसमें मैं कैप्स रखती हूँ डब्बे में और जो भगवान जी का नीचे का पहनने का है उसको मैं दूसरे बॉक्स में रखती हूँ। और इसी में से मैं नया कैप, जो भगवान जी को नया कैप और नया माला जो भगवान जी को पहनाना है वो निकाल रही हूँ। तो ये नया सेट भगवान जी का निकल गया है जो अब भगवान जी पहनने वाले हैं, पुराना सेट हमने अंदर रख दिया है। इसको मैं गंगा जल डाल करके स्वच्छ कर लूँगी और अब मैं भगवान जी को नहला रही हूँ। भगवान जी को नहलाते वक्त जो मंत्र पढ़ना चाहिए, जो मुझे आता है, वो मैं पढ़ती हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में मैं भगवान जी को टॉवल से अब ड्राई करूँगी, भगवान जी को टॉवल से ड्राई करूँगी और ड्राई करने के बाद में अब उनको हम साफ़ वाले कपड़े पहनाएंगे। अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ ताकि कोई दाग धब्बा ना रहे। उसके बाद में अब मैं भगवान जी को दूसरे वस्त्र पहनाऊँगी। मैं दिन के अकॉर्डिंग वस्त्र पहनाती हूँ, जैसे मंडे को ब्लू कलर का पहनाती हूँ मैं और ट्यूसडे को रेड कलर का पहनाती हूँ, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक और सैटरडे को डार्क कलर और संडे को वाइट कलर के पहनाती हूँ। और भगवान जी को मैंने माला भी पहना दिया है, उनकी बांसुरी लगा दी है, उनको कैप पहना दिया है, भगवान जी का भोग चढ़ा दिया है। और इसी तरीके से मैं शालिग्राम भगवान जी और विष्णुपद जी को भी नहलाती हूँ। अब भगवान जी को भोग खिला रही हूँ मैं। उसके बाद में अब मैं दिया जलाऊँगी। दिया जलाने के लिए दिया मैंने पत्ती जला दी है, धूप बत्ती जला दी है, इसको अजवा लूँगी मैं। अजवाने के बाद में फिर पूरा धूप बत्ती से पूरे भगवान जी के चारों तरफ घुमाऊँगी मैं दोनों मंदिरों के सामने। और जो भगवान जी मेरे सारे ऊपर रखे हैं या मंदिर के अंदर रखे हैं उन सबको मैं अच्छे से धूप बत्ती से घुमाऊँगी उनके चारों तरफ। और इसी के साथ साथ मैं जो भी आरतियाँ करती हूँ वो आरतियाँ सब पढ़ती रहती हूँ। मैं गणपति जी की आरती पढ़ती हूँ, दुर्गा माता जी की आरती पढ़ती हूँ और शंकर जी की आरती पढ़ती हूँ, विष्णु
विष्णु भगवान जी की आरती पढ़ती हूँ, हनुमान जी की आरती पढ़ती हूँ, और मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ मैं, और मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, मैं रुद्राष्टकम पढ़ती हूँ, मैं ये सब पढ़ती हूँ, मैं आरती करने के साथ साथ वो सब पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अब भगवान जी सारे भगवान जी को मैं प्रणाम करूँगी, उनके चरण छूँगी, चरण स्पर्श करूँगी मैं, और उसके बाद में सारे भगवान जी के चरण स्पर्श करने के बाद में आज मैंने अभी भगवान जी को फ्लावर्स नहीं चढ़ाए हैं, क्योंकि फ्लावर्स आने में लेट हो गया था, तो क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 ईयर ओल्ड बॉय है एंड 5 मंथ की गर्ल है, तो इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर पाती कि टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैं सब कंटिन्यूटी में करती रहती हूँ। फिर फ्लावर्स सब आ गए, अब मैं भगवान जी को फ्लावर्स चढ़ा रही हूँ। मैं ठाकुर जी को पहले चढ़ाए हैं फूल, उसके बाद में अब बाकी सारे भगवान जी को मैं एक एक करके फ्लावर चढ़ाऊँगी और सारे भगवान जी को सजाऊंगी, ताकि मेरे भगवान बहुत सुंदर दिखें, और उनकी सुंदरता का वर्णन करना तो खैर शब्दों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जितना अपनी तरफ से उनको सुंदर बनाने की कोशिश कर सकते हैं उतना हम सुंदर बनाते हैं। अब मैं सारे भगवान जी को एक एक करके फ्लावर्स चढ़ाऊंगी, विष्णुपद जी के ऊपर भी चढ़ा दिया है मैं, और वैसे मैं तुलसी माता जी भी लाती हूँ उनके शालिग्राम बाबा के ऊपर रखने के लिए, और भगवान जी को नहलाते वक्त भी तुलसी माता रखती हूँ, लेकिन तुलसी माता आप लोगों को जैसे पता है कि विंटर्स में सूख जाती हैं, तो अभी सारी तुलसी माता हमारी सूख गई है, अब एक नया छोटा छोटा सा पौधा अभी मैंने लगाया है, लेकिन उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, अभी हम जल दे रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी वो भी। तो अभी तो मैं फिर ये देखिए हमने विष्णु भगवान जी के ऊपर भी फ्लावर चढ़ा दिया है, और इधर छोटे मंदिर में जो हमारे गणपति जी रखे हैं उनके ऊपर भी फ्लावर चढ़ा रही हूँ। उसके बाद में हमारे नीचे वाले मंदिर में जगह नहीं थी, इसलिए हमने मंदिर के ऊपर भी जो फ़ोटोज़ है ना वो रख दी हैं, मूर्ति कोई भी नहीं रखी है, बस फ़ोटोज़ ऊपर रख दी हैं, क्योंकि घर में कहीं और भी फ़ोटोज़ लगी रहे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता मंदिर में ही सारे भगवान के साथ रहें, वहीं पर हम सबकी पूजा करते रहेंगे। तो फिर अब ऊपर जो भगवान जी हैं उनको भी एक एक करके फ्लावर चढ़ा देंगे, सारे फूल चढ़ा देंगे, फूल अर्पित कर देंगे उनको। ये हमारे राम दरबार है, ये हमारी अम्बेजोगाई माता हैं, और इस तरीके से हम सब भगवान जी को चढ़ाते रहेंगे। ये हमारी लक्ष्मी माता हैं, ये मेरा सिंदूरा है, और ये हमारे उनका है अमृत सर्कल लोटस टेम्पल की भी फ़ोटो है, उनको भी मैं फ्लावर चढ़ाती हूँ, और उसके बाद में इधर जो हमारी माता रानी है उनके ऊपर भी हमने फ्लावर चढ़ा दिए हैं। इस तरीके से मैंने सब पे फ्लावर चढ़ा दिए और अब हमारे भगवान जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये भगवान जी सबका कल्याण करें, सबको आशीर्वाद दें, हमारी आपसे यही मनोकामना है। अब मैं लास्ट में आरती को अचवा लूँगी, उसके बाद में मैं आरती को अचवाने के बाद मैं आरती ले लूँगी। इस तरीके से मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है, और ये रोज़ 10 से 15 मिनट की पूजा करके मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक।